हमको बोल रहे थे कि आपका रूम बंद है तो आप एटीएम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो फिर हमने बोला तो ऐसे तो भाड़ा हम देते नहीं है, तो बोले एटीएम है करने से हम देंगे। फिर वो पीछे लगा रहता रहा, फिर एक सप्ताह बाद फिर भेंट हुआ, फिर घर में आ गया। फिर हम थोड़े व्यस्त थे उस दिन, ढलाई भी चल रहा था घर में, तो आके बोला कि कागज पत्र दीजिए, जमीन का दीजिए, आपका वोटर आई डी या कुछ भी है तो दीजिए, सबमिट कर देंगे, फॉर्म भी भर देंगे और आपको उस हिसाब से फिर मेरे बड़ा अधिकारी आएंगे, आपका फिर स्क्वायर फुट के नाप से जो भाड़ा तय होगा वही हम करके आप लोगों को कर देंगे। तो फिर ये फॉर्म भराया गया। फिर जब जाने के समय बोले कि ये सब कागजात के जांच के लिए हम लोग कंपनी की तरफ से 100 रुपया और आपका 100 रुपया एक चेक देना पड़ेगा। हमने चेक नहीं, हमने पैसा ले लीजिए, तो बोले नहीं नहीं चेक नहीं तो नहीं होगा, या तो NFT कर दीजिए। तो हम देखे 4-5 तो हमको दिखाया कि दूसरा का भी लिए हैं चेक, तो हमने बोला ठीक है तो 100 रुपये का चेक आपको दे देते हैं। चेक हम दिया तो पेन वही दिया, इसी से भर दीजिए, भर दिया और भरने के बाद वो 100 रुपया पूरा लिखा और उसको सेलो टेप से साट दिया। साटने के बाद हमसे पूरा सब टेप से साट दिया तो कहीं गलती तो नहीं होगा। फिर बोला कि 7-8 तारीख को फिर हम लोग इसको आएंगे। तो 7-8 तारीख को देखे कि मैसेज आ गया मेरा मोबाइल से 100 रुपया को 11,000 रुपया वो निकाल लिया। फिर हम बैंक अधिकारी से दूसरे दिन मिले, तो बोला ये तो आप उसका पेन यूज किए हैं तो शायद वो इनको वैनिश कर दिया है और आपने ऐसे फिर भरा होगा। फिर हमको चेक दिखाया, वही देखे कि सचमुच वो 11 को सटा करके लिखा है और छोटा बड़ा 11,000 को भी लिखा था। तो हम बोले तो देखिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बैंक को भी बोले कि मेरा हैंड राइटिंग हो, अच्छा आपका भी देखिए तो डिसिमिलर लग रहा है, सिमिलर नहीं है। तो मैंने तो बोला नहीं नहीं तो लग रहा है, हम क्या करेंगे।